हाय एवरीवन, आज हम ये वाली किट बनाना सीखेंगे। अविका नेम की है, ई कॉमर्स किट है, जिसके अंदर हम होम पेज बनाना सीखेंगे कंप्लीट, कि कैसे हम होम पेज इस टाइप का डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर से। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम शो पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, आर्काइव पेज अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए। और उसके बाद वन बाय वन हम डिफरेंट पेजेस को देखेंगे, जैसे कि ये ब्लॉग पेज है और ब्लॉग पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और सिंगल अबाउट अस पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 5-6 वीडियो के अंदर ये वाला कंप्लीट कवर करेंगे कि कैसे हम इस टाइप की कंप्लीट किट बना सकते हैं ई कॉमर्स साइट के लिए। उसके लिए आ जाते हैं, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि उसके लिए हमें कौन कौन से प्लगइन की ज़रूरत है और कौन से थीम की ज़रूरत है। आ जाते हैं अपनी ब्लैंक डैशबोर्ड में, जो बिल्कुल ब्लैंक है, जो मैंने अभी इंस्टॉल की है। जैसे कि विजिट करके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बिल्कुल ब्लैंक है, और इसके अंदर जो थीम लगी हुई है वो भी 2024 की लगी हुई है, ठीक है। तो अब हम सिंपल सबसे पहले मेन सेटिंग कर लेते हैं। मेन सेटिंग के लिए आ जाते हैं हम इसमें परमालिंक में, और परमालिंक में आकर सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करते हैं पोस्ट नेम की, और उसके बाद इसे सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और एडिट प्रोफाइल पे आते हैं, और एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद हम यहाँ पे ये कलर स्कीम चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद इसे हम अपडेट प्रोफाइल कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल अब हमें सबसे पहले जो नीड है वो है, ठीक है, सबसे पहले जिसके में ज़रूरत है वो अपेयरेंस में हम आएंगे, थीम में। और इस पूरी उसके लिए इस किट को बनाने के लिए हमें जो थीम रिक्वायर है वो है हेलो एलिमेंटर। तो हम सिंपल पहले हेलो एलिमेंटर को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही ये थीम आ गई है हेलो एलिमेंटर ये वाली, तो हम इसे सिंपल इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे तो हमें इसके लिए जो प्लगइन रिक्वायर है वो है एलिमेंटर का, तो उसे भी हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा ही हमने इंस्टॉल किया है तो ये हमें एक्टिवेट प्लगइन पर आएगा, ऑप्शन देगा, और हम एक्टिवेट प्लगइन कर लेंगे। और एक्टिवेट प्लगइन करने के बाद ये हमें इधर रीड्रैग कर देगा। हम सिंपल इसे अभी नहीं फिल करना, तो सिंपल हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, इधर क्रॉस का बटन है, ये अब अपेयर नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे प्लगइन में, और प्लगइन में आने के बाद हमारे पास एक है एलिमेंटर, एक हेलो डॉली जो थीम के साथ होता है, इसे हम डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये स्पैम वाले की भी ज़रूरत नहीं है प्रोडक्शन की, ठीक है, इसे भी डिलीट कर देंगे। जितने ज़्यादा कम प्लगइन रखेंगे उतने ही हमारी जो होगी रिस्पॉन्सिवनेस में और इसकी परफॉर्मेंस में वो होगी इम्प्रूवमेंट आएगी, स्लो साइट में होगी, ठीक है। अब हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, वो है एलिमेंटर प्रो है। एलिमेंटर प्रो के लिए हमारे पास क्या करेंगे, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और फाइल अपलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही अपलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो मैंने उसका लिंक आपको दिया हुआ है अपनी अपनी चैनल के अंदर, अपनी व्हाट्सएप का, और उसके अंदर एलिमेंटर प्रो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ जाकर एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी साइट है, और इसके अंदर आप जैसे ही आएंगे वेब वो है यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी ये व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप के चैनल का। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप के चैनल में आ जाएंगे, और चैनल में आने के बाद
ऐसे खुल जाएगा और आप यहाँ से एलिमेंटर प्रो है और यहाँ से सिंपल ड्राइव पे क्लिक करेंगे और ये एलिमेंटर प्रो मैंने ये प्रोवाइड किया है, आपने सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं इधर दोबारा और दोबारा इसे जो अपलोड किया है एलिमेंटर प्रो, इसे क्या कर लेंगे एक्टिवेट। और तीसरा प्लगइन जो रिक्वायर है रिएक्टिवेट हो गया है, उसे हम ऐड कर लेते हैं, वो है WooCommerce का, वो हम सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे। ये WooCommerce का आ गया है प्लगइन, इसे हम सिंपल ये वाला नहीं है सॉरी ये वाला है, इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। इसको हम बाद में डिलीट कर देते हैं और इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ये इंस्टॉल हुआ है और इसके बाद इसे हम एक्टिवेट कर लेंगे। ये जो ये वाला प्लगइन है वो है चेकआउट फील्ड का, सॉरी ये तो करना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद सिंपल आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आने के बाद होम पेज पे आएंगे। और सिंपल अब सेटिंग में आएंगे, अपीयरेंस के बाद यहाँ नीचे आपको सेटिंग दी होती है, ये सेटिंग। और इधर सेटिंग से हम आएंगे रीडिंग में, ठीक है। सेटिंग के बाद हम आएंगे रीडिंग में। रीडिंग में आने के बाद सबसे पहले हम स्टैटिक पेज यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने वो पेज बनाया नहीं है, पहले हम यहां से पेजेस बना लेते हैं। और ये वाले जो पेजेस आए हैं वो WooCommerce से आए हैं, कार्ड का पेज, चेकआउट का, माई अकाउंट का, और ये सिंपल पेज तो वैसे थीम डाउनलोड किया है, शॉप का पेज वहाँ आया है कहाँ से WooCommerce से। सिंपल अब हम क्या करते हैं एक पेज बना लेते हैं होम पेज, जो हमारे होम पेज पे अपेयर होगा और उस पर हम डिजाइनिंग शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ये होम पेज पे यहाँ पर पेज पे क्लिक कर ये आया, इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम पहला अपना होम पेज बनाएंगे। तो होम लिखेंगे, होम टाइप करने के बाद यहाँ पर टेम्पलेट में आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे एलिमेंटर फुल विड्थ करके इसे पब्लिश कर देंगे। जैसे ही पब्लिश करेंगे उसके बाद हम एडिट विद एलिमेंटर करके अपना पहला होम पेज डिजाइन करना सीखेंगे। और उससे पहले हम ऐसे करते हैं एक हेडर और फुटर पहले बना लेते हैं, बाद में ये होम पेज बनाना सीखेंगे। यहाँ पर जो है जैसे ही ये हुआ है पब्लिश हो गया, इसे हम बैक आते हैं अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आने के बाद सिंपल नीचे डाउन जाएंगे और डाउन दोबारा सेटिंग में जाकर रीडिंग में जाएंगे और रीडिंग में जाने के बाद यहाँ दोबारा स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे और होम पेज के लिए अपना होम पेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सिंपल सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे और अब हम अपनी साइट देखते हैं, हमारे साइट में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ डिजाइन ही नहीं किया अभी। ठीक है, ऐसे ब्लैंक नजर आ रही है जी, हेडर और फुटर है। सबसे पहले हम यहाँ से इसका हेडर और फुटर डिजाइन कर लेते हैं और उसके बाद अपना होम पेज डिजाइन करेंगे। हेडर और फुटर डिजाइन करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, टेम्पलेट से थीम बिल्डर में आएंगे और थीम बिल्डर में आने के बाद ये हमें ऐसे अपेयर होगा, लेकिन हमें पहले इसमें नहीं आना, सबसे पहले हमने जो है सेटिंग उसकी करनी है। एलिमेंटर जो इंस्टॉल किया उसमें बेसिक सेटिंग का जरूर मद्देनजर रखना है कि वो वाली हमारे वो सेट कर ली। जैसे कि एलिमेंटर की सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर पहले से चेक कर लेंगे
और उसके बाद सेव कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फीचर में आएंगे, ये थोड़ी लोड हो रही है और अभी फीचर में आते हैं। ठीक है, जैसे ही फीचर में आए हैं तो हमें बेसिक सेटिंग बताई है। यहाँ पर उन्होंने सारे एक साथ ही एक्टिव करने का ऑप्शन दिया है कि हम यहाँ से एक्टिव करके सारे फीचर एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ सेटिंग देखनी है, जैसे ग्रिड कंटेनर ऐसे एक्टिव करना है, और उसके बाद ये लोडिंग वाला तो बिल्कुल नहीं करना। आगे एडिटर टॉप बार, अगर टॉप बार अगर आप रखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इसे भी एक बार एक्टिव कर लेते हैं। और उसके बाद लैंडिंग पेज एक्टिव कर लेते हैं, नेस्टेड एलिमेंट एक्टिव कर लेते हैं, और लेजी लोड बैकग्राउंड इमेज ये नहीं करना, लेजी लोड बैकग्राउंड पर एक इमेज हो, चलो ये भी एक्टिव कर लेते हैं। उसके बाद डिस्प्ले कंडीशन एक्टिव कर लेते हैं, मेन्यू एक्टिव कर लेते हैं, और टैक्सोनॉमी एक्टिव कर लेते हैं। उसके बाद स्टेबल फीचर के अंदर इम्प्रूव लोडिंग ये नहीं करना, इन लाइन फॉन्ट आइकन इसे कर लेते हैं एक्टिव, एडिशनल कस्टम ये वाले भी एक्टिव कर लेते हैं, ब्रेक पॉइंट। और उसके बाद है फ्लेक्सिबल फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर भी एक्टिव कर लेते हैं, अपग्रेड स्विचर लाइब्रेरी इसे भी एक्टिव कर लेते हैं, और उसके बाद न्यू थीम बिल्डर इसे एक्टिव कर लेते हैं, इसका हेलो और फुटर क्या हमने नहीं करना, आगे बिल्ड भी दिया ये भी नहीं करना, और फॉर्म सबमिशन को एक्टिव कर लेते हैं। ये सारे फीचर एक्टिव करने के बाद इसे हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम जो करेंगे वो है हेडर और फुटर बनाएंगे। पहले सबसे पहले जो है यहाँ से आते हैं दोबारा इसके अंदर थीम बिल्डर के अंदर, थीम बिल्डर टेम्पलेट में थीम बिल्डर में आएंगे, और थीम बिल्डर में आने के बाद सिंपल एक अपना पहले हेडर डिजाइन कर लेते हैं। हेडर डिजाइन करने के लिए पहले हम हेडर पे आएंगे और यहाँ पर एड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, और ऐसा हेडर बनाना है जिसमें ये पेजेस होंगे और ये लोगो है और ये आर्ट कार्ड और सच वाला बॉक्स। ठीक है,